हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास फिफ्थ में आपको मोरों की ईर्ष्या का पाठ पढ़ाएंगे। ये जो पाठ है आपका वो केवल पढ़ने के लिए, केवल पठनेतु का मतलब है केवल पढ़ने के लिए। सिर्फ हम इसकी रीडिंग कराएंगे क्योंकि इसमें ना आपके बुक वर्क है ना क्वेश्चन आंसर है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे और पाठ निकालेंगे मोरों की ईर्ष्या, पेज नंबर 55। तो मेरे साथ साथ सभी बच्चे रीडिंग करेंगे मोरों की ईर्ष्या पाठ का, जिसके बारे में हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं। उस विशाल वन में प्राय पक्षियों का सम्मेलन होता रहता था। सम्मेलन में इस वन के ही नहीं अपितु दूर देशों के पक्षी भी भाग लेते थे। तरह तरह के पक्षी वहाँ आते। बड़ा हंसी खुशी का वातावरण खग बन जाता। भांति भांति के कार्यक्रम होते। कोई नाचता, कोई गाता, कोई व्याख्यान देता। ये व्याख्यान यानी भाषण वगैरह देना, या मतलब किसी पर कहते हैं एक्सप्लेन करना। जैसे कोई नाटक दिखाता तो कोई खेल। उड़ने की प्रतियोगिता भी होती। यूं तो सभी पक्षी बड़े सुंदर कार्यक्रम दिखाते, पर गाने के कार्यक्रम में सदैव कोयल जीतती। नाचने में सदैव मोर विजयी होता। व्याख्यान में तोते बाजी मार ले जाते, और नाटक करने में बगुला भगत पुरस्कार पाते। हर बार प्राय ऐसा ही होता, यानी ज़्यादातर ऐसा ही होता था हमेशा। कैसा? कि गाने में कोयल जीतती थी, नाचने में मोर जीतता था, व्याख्यान करने यानी बोलने करने में मोर तोते जीतते थे, और नाटक वगैरह करने में बगुला की जीत होती थी। मोरों को प्राय दो पुरस्कार मिलते, एक नृत्य प्रतियोगिता में और दूसरा सौंदर्य प्रतियोगिता में। सौंदर्य यानी सुंदरता में। पर इतने से उन्हें संतोष ना होता। वे स्वयं को विशिष्ट मानते थे। विशिष्ट यानी सबसे ज़्यादा अधिक महान, सबसे ज़्यादा अधिक गुणी। वे चाहते थे कि उन्हें ढेरों पुरस्कार मिले। हर कार्यक्रम में वे ही विजयी रहें, जिससे कि पक्षियों पर उनकी धाक जम जाए। दूसरे पक्षियों के गुण या सुंदरता देखकर उनका मन ईर्ष्या और असंतोष से भर उठता था। यानी कि कहने का मतलब है, मोर जो है और पक्षियों के जीतने पर या उनको पुरस्कार मिलने पर उनको उनसे ईर्ष्या होती थी। एक बार सभी मोरों ने मिलकर सलाह की। मोरों का प्रतिनिधि सरस्वती देवी के पास जा पहुंचा। प्रतिनिधि जो मोरों का लीडर जिसको कहते हैं नेता, वो जो है सरस्वती देवी के पास जा पहुंचा। वह बोला, हे देवी, आप तो सब कुछ करने में समर्थ हैं, यानी सब कुछ कर सकती हैं। आप हमें कृपा करके कोयल जैसी आवाज दीजिए, कबूतर जैसे पैर दीजिए, नीलकंठ जैसा गला दीजिए। दूसरे पक्षी हमसे बाजी मार ले जाते हैं, यह हमारे लिए लज्जा की बात है। आप हमें ऐसा बना दीजिए कि हमसे सभी हारें। यानी मोरों के जो प्रतिनिधि था, जो लीडर था, उसने उन देवी से ये प्रार्थना की कि जो जो गुण और पक्षियों में, वो सारे गुण उसी मोर में आ जाएं और वही जीते हमेशा और कोई ना जीते। मोरों के प्रतिनिधि की बात सुनकर देवी सरस्वती मुस्कुरा उठी। वे बोले, बच्चों, औरों के गुणों का क्यों याद नहीं करते? यह है, औरों के गुणों को क्यों याद नहीं करते? कोयल सुंदर गाती है तो तुम अच्छा नाचते हो। कबूतर के पैर सुंदर हैं तुम्हारे पंख। दूसरों से ईर्ष्या क्यों करते हो? ईर्ष्या और अभिमान
दोनों ही अवगुण ऐसे हैं जो विनाश करते हैं, इन्हें अपनाकर कोई दूसरा दूसरों से तिरस्कार ही पाता है। मतलब देवी ने मोरों को समझाया कि हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या करने से जो है विनाश ही होता है और हमेशा उससे तिरस्कार यानी कि सब लोग उसको झिड़कते रहते हैं। भगवान ने शरीर बनाया है तो तुम अपने अपना स्वभाव बना सकते हो। मतलब भगवान ने अगर शरीर बनाया तो अपने आप से अपने व्यवहार से तुम अपना स्वभाव बना सकते हो। शरीर तो जैसा है वैसा ही रहेगा, बदला नहीं जा सकता, पर हाँ स्वभाव अवश्य बदला जा सकता है। अच्छा स्वभाव बनाओगे तो गुणी बनोगे, गुणी बनोगे तो तुम्हें स्नेह और सम्मान मिलेगा, स्नेह यानी प्यार। बुरी आदतें अपनाओगे तो कोई तुम्हें नहीं चाहेगा। मोरों का प्रतिनिधि चुपचाप गर्दन झुकाकर देवी सरस्वती की बातें सुनता रहा। वे फिर बोली, गाने का निरंतर अभ्यास करो तभी तुम अच्छा गा पाओगे। देवताओं के वरदान पर निर्भर मत रहो, परिश्रम करो। देवता भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। मोरों का प्रतिनिधि वहां से चुपचाप सिर झुकाकर लौट आया। देवी सरस्वती ने जो कुछ कहा था उसने आकर सभी मोरों को बता दिया, परंतु मोरों ने आज तक गाने का अभ्यास नहीं किया। परिश्रम से जो जी चुराने के कारण वे अभी तक गाना नहीं सीख पाए। जो केवल देवताओं का वरदान चाहते हैं स्वयं कुछ श्रम नहीं करते, श्रम यानी मेहनत, वे जीवन में कुछ और नहीं कर सकते। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें ईश्वर के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अपने वरदान के भरोसे नहीं रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, श्रम करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है और हम सबके प्रिय हो सकते हैं। तो बच्चों इस पार्ट को आपको अपनी बुक से रीड करना है। सभी बच्चे आज का आपका होमवर्क है रीड मोरों की ईर्ष्या। आज के लिए इतना ही, सभी बच्चे पढ़ेंगे अपनी बुक से मोरों की ईर्ष्या। आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो, थैंक यू।